हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट थर्ड। टुडे आवर टॉपिक इज भारत में सरकारी आंकड़ों के स्रोत। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ऑफिशियल डेटा इन इंडिया, भारत में सरकारी आंकड़ों के स्रोत। ओके, ए एल वावले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ए एल वावले, इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशंस, एंड इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिटिसाइज आर्ग्यूमेंट दैट कैन बी बेस्ड ऑन देम। ओके, इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग and limitations, and it is always necessary to criticize argument that can be based on them. Okay, डॉक्टर बावले के अनुसार प्रकाशित सांख्यिकी को उसके अर्थ और सीमाओं को समझे बिना जीवों का त्यों स्वीकार कर लेना एक जोखिम भरा कार्य है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि ऐसी सांख्यिकी पर आधारित तर्कों की सावधानी समालोचना कर ली जाए। ओके, मतलब जो सांख्यिकी पर आधारित जो तर्क हैं उन तर्कों की सावधानीपूर्वक समालोचना कर ली जाए। ओके, द्वितीय तथ्यों के अंतर्गत भारत में सरकारी आंकड़ों के स्रोत। द्वितीय तथ्यों के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रकाशित उन आंकड़ों का विशेष महत्व होता है जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की सहायता से एकत्रित करके जनसाधारण को उनकी सूचना दी जाती है। ओके, वर्तमान युग नियोजन का युग है। आज जैसे जैसे आर्थिक और सामाजिक जीवन के विकास का काम सरकार के नियंत्रण में आता जा रहा है, समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी सरकारी आंकड़ों का महत्व बढ़ता जा रहा है। ओके, वर्तमान युग में जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम कल्याण, पिछड़े वर्गों का विकास, ग्रामीण विकास, नगर नियोजन, रोजगार तथा कृषि आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करके समाज में नियोजित ढंग से परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। ओके, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित एकत्रित किए जाने वाले सभी तथ्य द्वितीयक तथ्यों के उदाहरण हैं। यह तथ्य जिन विभागों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम सरकारी आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के नाम से जानते हैं। ओके, भारत में ब्रिटिश काल से ही सरकारी स्तर पर सूचनाओं के संकलन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित तथ्यों के संकलन को विशेष महत्व देना आरंभ किया गया। आज हमारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन से संबंधित कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसके बारे में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं या सूचनाओं से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको एकत्रित ना किया जाए। ओके, यह सच है कि सरकारी आंकड़ों का मुख्य स्रोत केंद्र सरकार से संबंधित विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग है, लेकिन सभी राज्य सरकारें भी सूचना विभाग, सांख्यिकीय ब्यूरो के द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाली विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री एकत्रित करती हैं। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में सरकारी स्तरों पर तथ्यों को एकत्रित करने वाली कुछ प्रमुख एजेंसियों अथवा स्रोतों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। ओके,
मैनी पॉइंट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ ऑफिशियल डेटा इन इंडिया. ओके, फर्स्ट पॉइंट है आपका मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, एंड सेकंड पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड थर्ड पॉइंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. एंड फोर्थ पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. सिक्स पॉइंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. एंड नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. एंड नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड नेक्स्ट पॉइंट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑफिशियल डेटा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय. ओके, इस मंत्रालय के अधीन आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय वह सबसे महत्वपूर्ण संगठन है जो कृषि उपज की कीमत, कृषि मजदूरी तथा सभी विकास कार्यों में अधिकृत सूचनाओं का संकलन करता है. इसी के द्वारा ग्रामीण रोजगार तथा विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में भी सांख्यिकी एकत्रित की जाती है. ओके, सेकंड पॉइंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय. ओके, कौन सा है? वित्त मंत्रालय. इस मंत्रालय के अधीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण करके आंकड़ों का संकलन किया जाता है. देश में प्रति व्यक्ति आय, रहन सहन के स्तर, मुद्रास्फीति, आर्थिक नीतियों का प्रभाव तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानने के लिए इस मंत्रालय को द्वितीयक तथ्यों का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट. ओके, वर्तमान में यह मंत्रालय द्वितीयक तथ्यों का एक प्रमुख स्रोत है. इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात कर लिया जाता है कि देश में साक्षरता, शैक्षिक विकास, शिक्षा संबंधी नीतियों, सामाजिक नियोजन, पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा मानवीय स्रोतों के उपयोग की दशा क्या है. सामाजिक अध्ययनों में इस मंत्रालय के प्रतिवेदनों को विशेष रूप से उपयोगी और प्रामाणिक माना जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका भारतीय श्रम बजट का वह महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके द्वारा श्रमिकों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं. सामाजिक अध्ययनों में आश्रम अधिनियमों, श्रम कल्याण तथा श्रम सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि श्रम कल्याण समाज कल्याण का एक महत्वपूर्ण अंग ही है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गृह मंत्रालय. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित सामग्री को जानने के लिए गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं. विभिन्न सामाजिक समस्याओं से संबंधित सांख्यिकी इसी मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका नियोजन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग वर्तमान दशाओं में देश के संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक नियोजन संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें लागू करने का काम नियोजन मंत्रालय का है. स्वाभाविक है जो अध्ययन विकास कार्यक्रमों तथा भावी योजनाओं से संबंधित होते हैं उनकी समुचित विवेचना इस मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं के बिना नहीं हो सकती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एंड ब्रॉडकास्टिंग.
विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों को व्यवस्थित करने तथा उनका प्रकाशन करने में इस मंत्रालय की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस मंत्रालय द्वारा अंग्रेजी में इंडिया तथा हिंदी में भारत माता के नाम से एक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट। नगर विकास तथा नगर नियोजन सामाजिक अध्ययनों से संबंधित प्रमुख विषय है। इस मंत्रालय द्वारा वे सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जिनका संबंध नगरीकरण की प्रक्रिया, नगर नियोजन, नागरिक सुविधाओं तथा नगरीय रोजगार से है। स्वाभाविक है कि यह मंत्रालय भी सरकारी आंकड़ों का एक प्रमुख द्वितीय स्रोत है, ओके। विभिन्न राज्यों में यह कार्य सांख्यिकीय विभाग स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। भारत में अब एक राष्ट्रीय निर्देशन सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई है। इसके द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वेक्षण करके प्राप्त सूचनाओं को जनसाधारण के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारी तथ्यों के गुण दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑफिशियल डाटा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑफिशियल डाटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।